तो गाइज आप गाइज न्यू एलिट पास की फुल लुक देख सकते हैं, यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब ओपी गाइज एकदम। तो हे हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस बहुत दिनों के बाद वीडियो है गाइस, आज से कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। उससे पहले गाइस न्यू पी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रात के 12 बजने वाला है। पी रजिस्ट्रेशन में गाइस बहुत ही अच्छी चीज मिल रहा है जिनको भी पता नहीं। और गाइस रिचार्ज में कर रहा हूँ, मतलब टॉपअप में कर रहा हूँ कोडा शॉप से। गाइस कोडा शॉप ले इसलिए क्योंकि कोडा शॉप से बहुत ही होता है आसान, ट्रस्ट है गाइस, गिरने की खुद की है, सपोर्ट है इनको। एंड गाइस यहाँ पे बहुत ही इजीली एंड एक सेकंड में किसी भी आईडी में डायमंड सेंड हो जाता है। गाइस देख सकते हो कितनी आसानी से गाइस डायमंड आ जाता है। और गाइस इतने इससे आसान तो मैंने आज तक नहीं देखा कोडा शॉप से, जितना आसानी से डायमंड टॉप अप कर सकते हो आप। और गाइस मैंने वहां से गाइस डायमंड टॉप अप किया 1000 का, जिसने गाइस मेरे को जो टॉप अप इवेंट था उससे मेरे को एक ब्लूप्रिंट भी मिल गया। ऊपर से गाइस मैं जैसे ही टॉप अप किया 1000 डायमंड का, उसी 1000 डायमंड से मैंने जो है न्यू एलीट पास की पी रजिस्ट्रेशन कर ली, जिससे गाइस इस बार की पी रजिस्ट्रेशन की जो रिवॉर्ड था, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड था, वो गाइस था बहुत ही, वो चीज जो था बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जो पेन था इसमें गाइस स्पेशल चीजें भी है, इससे अगर किसी को मारते हो तो ऊपर लिखा आएगा गाइस, मतलब शॉर्ट आउट के साथ लिखा आता, जैसे आप किसी लेजेंडरी गर्ल से किल करते हो वैसे लिखा आएगा। इसके साथ भी इसकी जो ग्राफिक डिजाइन है ये पूरा अनोखा है। मेरे पास देख सकते हो बहुत सारी पेन है, बट अभी जब मेरे पास ये वाला है भाई तब तो मैं यही यूज करूंगा अभी से। तो गाइस जो भी बंदे मतलब करे हो तो उनको गुड लक यार भाई, फ्यूचर में और भी करो ऐसे परचेस। एंड गाइस अगर ऐसे चीजें आते गाइस, और कभी आप रात के 12 बज चुके हैं, अभी देखेंगे न्यू एलीट पास। और मैंने गाइस इंक्यूबेटर वाला जो बंडल निकाला था उसमें मेरे को 10 से 15 हज़ार डायमंड लगे थे, एंड मैंने टोटल कुल में लगे 12 ब्लू प्रिंट निकाले थे, बट वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। आज से मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, मतलब 1 तारीख है आज, और मैंने सोचा था 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा, एंड आज 1 तारीख है, आज से कंटिन्यू आई थिंक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड गाइज मोटा हो गया, रोगा हो गया, बाल लंबे हो गए, क्या हो गया कॉमेंट करके जरूर बताना। मैं कॉमेंट इस बार की विजिट करूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि शायद व्यूज़ कम आएंगे क्योंकि पहली वीडियो है बहुत दिनों के बाद, इससे पहले मैंने ठीक से कंटिन्यू नहीं किया था। एंड गाइज यहाँ पे न्यू एलीट पास आ चुका है, रात के बज चुके 12 गाइज, एंड अभी गाइज मैं देख लेता हूँ न्यू एलीट पास की जो मैंने वो पता नहीं, मैंने अभी तक ऑन गॉड मैंने एलीट पास की है वीडियो नहीं देखा था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो न्यू एलीट पास मेरे को लगता है बाइक स्किन आने वाला है एलीट पास में, पता नहीं मेरे को। और यहाँ पे बाइक से इससे टकराया दो लड़की, एक लड़की एक लड़का, और लड़की के मुँह पे एक मास्क है, लड़का के मुँह पे एक मास्क है। लड़की वाली जो कैरेक्टर है इसकी वाइट ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रहा है मेरे को, और लड़का का बाल और ये जैकेट की ग्राफिक बहुत अच्छी है। और गाइस बहुत ही कूल है इस बार की एलीट पास गाइस, एंड मैं आप सबको बताऊंगा जिनके पास भी पैसे वैसे नहीं है गाइस, आप लोग जो है उसके लिए वेट कीजिए, मिस्ट्री शॉप के लिए वेट कीजिए। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो यार ऐसे कुछ परेशानी की बात नहीं है, बाद में भी ले सकते हो, ऐसे नहीं कि अभी को अब भी लेना है। एंड जिनके जो लोग शौकीन है, जिनके पास पैसे है, आप लोगों को लेना चाहिए। अगर आपको शौक है तो लो, वेरी बढ़िया लो। और बहुत लोग तो 5-5, 10-10 हज़ार बैच भी खरीद के रखते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कौन क्या लेता है। मैं अभी गाइस फुल एलीट पास अनलॉक करने वाला हूँ, एंड मैं आपको बता देता हूँ इस एलीट पास की अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है और इसकी बेस्ट चीज़ क्या क्या चीज़ें यार क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पैसे तो गाइस यहाँ पे पैसे बोल रहा हूँ, पहले तो गाइस मैं बता दूँ पहले की तरह एलीट पास अभी उतने रिवॉर्ड के साथ नहीं आता, बट गाइस जितना भी आता है कभी कभी अच्छी आती है। जैसे इस लड़की की गाइस जो वाइट ड्रेसेस है बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। एंड गाइस इसके साथ कुछ फालतू की चीज़ें चुतिया पे बनाने के लिए या चुतिया बनाने के लिए देके रखे। इस बार की इमोट भी खास है गाइस, देख सकते हो तो किसी बंदे को मारने के बाद ऐसे ऐसे कर सकते, धूल मिट्टी जैसा उसको मारा है, ऐसा ऐसा मतलब रिएक्ट कर सकते हो कि यार तू मेरा धूल बराबर भी नहीं है, ऐसा ऐसा यार कुछ भी बता सकते हो आप उसको। मस्त था फारूसा भाई, मेरे पास पहले कितने 30 स्टोन हुआ करते थे, बट आजकल मेरे पास 30 स्टोन है नहीं। मैं 30 स्टोन के लिए मेरे को इंक्यूबेटर में स्पिन करना पड़ रहा है, ऐसे बुरे दिन आ गए मेरे। एंड यहाँ पे गाइज और भी चीज़ों के बारे में अगर बात करूँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो इस बार की एलीट पास की सबसे मतलब बेस्ट चीज़ मेरे को लगी इस बंडल का वेस्ट, मतलब वेस्ट बोल रहा हूँ सॉरी, जो जैकेट है वो जैकेट। तो गाइज मैं आपको पूरी जैकेट की, इसके जैकेट की ग्राफिक्स तो आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी है। इसकी पैंट को छोड़ो, जूते के छोड़ो, मास्क को छोड़ो, इसकी ग्राफिक्स को दो। तो मैं कुल मिला के मैंने जो प्री ऑर्डर किया था उसके लिए मेरे को 3000 डायमंड या 4000 डायमंड सस्ता पड़ेगा एलीट पास इस बार की फुल एलीट पास। तो मेरे को यहाँ पे पड़ रहे 4375 डायमंड। तो गाइज तो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट करके खरीद लेता हूँ इस बार की एलीट पास। चलो
तो गाइस देखता हूँ कितने बैजेस खरीदा मैंने इस बार। खरीदा 175 बैज गाइस, पिछली बार मैंने वीडियो भी ठीक से नहीं छोड़ा था और मैंने खरीदा था 1000 बैजेस, और गाइस इस बार मैं खरीद रहा हूँ 175 बैजेस। टोटल कुल मैं 225 बैजेस खरीद लिया मैंने। एंड गाइस यहाँ पे इस बार की बेहतरीन चीज़ों के अंदर आई थिंक आप लोगों को पसंद आ सकता है इसकी बैकपैक, एंड उसके साथ गाइस इस बार की इमोट। इस बार की इमोट गाइस मेरे को बहुत ही खास लगा, क्योंकि मेरे पास लगभग सारे इमोट है, यूनिक इमोट बहुत ही कम है। गाइस इस बार की इमोट भी बहुत अच्छा है एंड आप लोगों को भी लेना चाहिए। और इस बार की गाइस बोर्ड देख सकते हो बहुत ही अच्छी है, बोर्ड भी बहुत अच्छा है, और मेरे को आई होप कि आज सबको बोर्ड अच्छा लगता है। और ये भाई 30 स्टोन देता है, ये पूरा जायज है, 2-3 या 30 स्टोन गोल्ड बोल देके कोई फायदा नहीं है भाई। इस बार की ये मेरे को भाई बच्चों के जो 12 साल के नीचे बच्चे हैं आई थिंक उनको अच्छा लगेगा, बट जो लोग थोड़ा हाई लेवल में खेलते हैं उनको आई थिंक ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो इंडिया के ऑडियंस थोड़ा मैच्योर ही खेलते हैं इस गेम को, और बच्चे थोड़ा कम ही खेलते हैं मेरे को जितना लगता है। अभी तो मैं कुछ दिनों से देख रहा था यही चीज़। एंड गाइज फाइनली गाइज मेन बंडल गाइस जो है यहाँ पे मेन बंडल में आप देख सकते हो, मेल बंडल में मेन बंडली और मेल बंडल गाइस दोनों सेम ही है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो बहुत ही कूल है, बट इसकी मार्क्स मेरे को उतना पसंद नहीं है। इसकी हेयर स्टाइल भी देखने में तो अच्छी लग रही है, बट पता नहीं मेरे को कैसा लगेगा। और गाइस एक और चीज़ है गाइस, ये है गाइस ये पिस्टल भी बहुत ही कूल है गाइस, देख सकते हो पिस्टल जो भी है, छोटा पिस्टल जो भी है, स्कोप करके मारते हैं इसको। मॉडल नंबर मेरे को पता नहीं है कौन सी, वोडाफोन कंपनी का। तो गाइस जो भी है वो भाई कूल है, बट इसकी कोई एबिलिटी नहीं है। एंड अरे भाई साहब लेफ्ट साइड में, चलो कोई नहीं उसको छोड़ते अभी, आर्यन भाई नहीं। और अभी गाइस मैं आपको गाइस बताता हूँ, जिन लोग भी गाइस गेम वेम खेलते हो फ्री फायर बहुत ध्यान से, मैं इसके साथ एक अच्छी कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ पहले, कि न्यू एलिट पास के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी कॉम्बिनेशन मेरे को सबसे अच्छा लगा। मैं मेरे फेवरेट कॉम्बिनेशन में बना के आपको दिखाता हूँ मेरे ड्रेसेस मेरे कलेक्शन के साथ। और गाइस जिनको जो लोग भी गाइस जो खरीद नहीं पा रहे हो एलिट पास वगैरह, आप लोग लेना चाहते हो एंड आपके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ एक कूल बढ़िया टेक्निक बताऊंगा, दो दिन के बाद आएगा वो वाला वीडियो। बट आज मैं सबसे बढ़िया एक नॉर्मल थर्ड पार्टी वाले के बारे में बताऊंगा। जैसे लाइक गाइस जो नॉर्मल एप्लीकेशन होते हैं, जो गाइस बहुत सारे एप्लीकेशन सजेस्ट करते हैं जो छोटे छोटे एप्लीकेशन होते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ विंजो के बारे में, जो बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है विंजो। एंड गाइस इसके डाउनलोड गाइस 100 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके गाइस बढ़िया बढ़िया गेम्स है, फ्री फायर की टूर्नामेंट्स भी चलते हैं गाइस, एकदम ट्रस्ट है, एकदम 100% सस्टेबल है, सबको पता है। आई थिंक जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हो 90% बंदे को विंजो के बारे में पता है, सारे बंदे शायद इंस्टॉल करके रखे होंगे। तो गाइस जरूर खेलना इसमें गेम, एंड खेल गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे आप जीत सकते हो, फ्री फायर टूर्नामेंट भी है, तो जरूर ट्राई करो। एंड गाइस तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। एंड मैं गाली उतना ज़्यादा नहीं दे रहा, और मैं गाली थोड़ा घटा रहा हूँ, लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है एंड जिंदगी के लिए यार बहुत परेशान में था, मतलब फैमिली को बड़ी परेशानी बहुत कुछ था। तो आज से कंटिन्यू वीडियो देने की कोशिश करूँगा, जो भी बंदे आज की वीडियो नहीं देखे कल की वीडियो देखोगे वो बंदे बोलोगे जिसके भाई बैक जो भी है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। ये स्काईलॉर्ड की सपोर्टर भी कहाँ पे, स्काईलॉर्ड भाई लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ स्काईलॉर्ड की वीडियो में जैसे लाइक आते हैं मेरे वीडियो में लाइक करके दिखाओ, स्काईलॉर्ड के सपोर्टर की तरह वो भी लाइक ठोको। एंड आज के लिए बाय बाय, एंड बिग शॉट आउट स्काई भाई को जिसने बोला क्या कर रहा है, गान मरा रहा है क्या, वीडियो बना के दिखाना, कुछ कुछ भी कर, चलो बाय बाय, चलता होगा आज के लिए इतना ही।